रेत लगा रहे हैं रेस। ओ तेरी, चेक करो गाइस, 1 2 3 अब तो निकल के ही मानेगी भाई, एल्विस भाई फेल। ओ भाई, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिलहाल आज का ब्लॉग कुछ हटके है, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कह सकता, बट मॉर्निंग हो रही है मेरे लिए, क्योंकि मैं अक्सर 2 बजे ही नहाता धोता हूँ, कोलगेट उलगेट सब कुछ मेरा 2 बजे होता है, बिकॉज मैं सुबह से उठ के हमेशा एकदम, अरे भाई चचा डर गए, इतनी भी तगड़ी नहीं चला रहा हूँ बाइक। मैं सुबह से उठता हूँ तो ये सोच लो नहाना धोना मेरा सब कुछ 2 बजे के लमसम में होता है, तो ना दांत वाँत धुलना, मतलब सब कुछ मेरा 2 बजे के, मैं अपना मुँह भी 2 बजे ही धुलता हूँ ये सोच लो। उससे उठ तो भले ही 6 बजे जाता हूँ, बट किसी कारण बस बिकॉज मेरे को सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के और सीधे दुकान पे आना होता है, दुकान पे इतना काम होता है, काम करते करते सोच लो 2 बज जाते हैं, तो मैं 2 बजे जस्ट फ्री हो पाता हूँ, फ्री होके निकल जाता हूँ अपनी वीडियो बनाने। तो फिलहाल दोस्तों कैसे हो, आई होप तुम बहुत अच्छे हो गए और मेरा ब्लॉग देख रहे हो गए, और अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो और ज़्यादा अच्छे हो जाओगे, बिकॉज आज का ब्लॉग कुछ ऐसा आने वाला है। ये अपने रिबॉन राइडर, तुम्हें पता होगा, अगर नहीं पता तो मेरा पिछला ब्लॉग जाके देख लो। तो आज मैं और ये जा रहे हैं एक राइड पर, शॉर्ट राइड है, चेक करो गाइस रिएक्शन, चेक करो गाइस, मतलब रिएक्शनों का भरमार आता है ना भाई जब बनी हेलमेट लगा के घूमता है, तो क्यों ना तुम्हारा भाई भी ले ले, अगर तुम लोग कमेंट करोगे ना तुम्हारा भाई भी बनी हेलमेट ले लेगा। ये अपना भाई है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ इसे भी। तो फिलहाल तो तुम्हें बता दूँ कि यार आज हम थोड़ा अलग रूट पर जा रहे हैं, अलग क्या, रूट तो हमारे सारे वही हैं, घटीमा में मतलब कहीं रूट कोई अलग हटके नहीं है, बट थोड़ा लोकेशन चेंज होगी, बिकॉज आज मैं थोड़ा सा स्टंट वाले ब्लॉग लाना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि कुछ लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में, मैंने उनसे पूछा था कि किस टाइप के ब्लॉग्स देखना पसंद करोगे, तो कुछ ने रस राइडिंग बोला, तो किसी ने बोला था कि विली वाले करो, तो विली और स्टॉप ही आज के मेन मोटिव रहेगा। रस राइडिंग भी लाएंगे, बहुत जल्दी से ब्लॉग आने वाले हैं रस राइडिंग के। तो आज तो फिलहाल तुम्हें बता दूँ कि विली होगी, मैं विली प्रैक्टिस करूँगा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है विली का, और आज तक मारी भी नहीं है, हल्की फुल्की आती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती है, मतलब हल्की फुल्की का मतलब है कि नहीं आती है सोच लो, बट थोड़े बहुत तो करना पड़ता है ना, तो थोड़ा बहुत करूँगा मैं। तो आज सोच लो फर्स्ट डे है मेरा विली का, तो डर भी लग रहा है, बिकॉज चेक करो जब से मैंने ये एक्सरी कट लगाई है तब से मैं अपनी बाइक बहुत ही सेफली चलाता हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं गिरा तो एक्सरी के टूटी, और एक्सरी के टूटी तो मेरा दिल टूटा, और दिल टूटा तो जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, वो वाला ही सीन होने वाला है। तो इसलिए मैं हमेशा ड्राइविंग सेफ करता हूँ, और आज मैं अपनी कॉस्ट्यूम पूरी चेंज करके भी आया हूँ, आज मैं जीन्स में आया हूँ, मैं बहुत टाइम बाद जीन्स पहन रहा हूँ, बिकॉज मेरे को जीन्स से नफरत तो नहीं कह सकता, मतलब जीन्स ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है पहनना, मेरे को कंफर्टेबल कपड़े पसंद है, तो जीन्स उतना कंफर्टेबल होता नहीं है बाइक राइडिंग में खास करके। तो आज मैं जीन्स और इसे क्या कहते हैं डेनिम जैकेट, ये तो अभी ठंडियों का टाइम है, डेनिम जैकेट भी नहीं पहनता हूँ, मेरे को ज़्यादातर बल्कि कपड़े पसंद है। तो फिलहाल आगे देखते हैं, आज का सीन खतरनाक रहने वाला है भाई लोगों, तब तक के लिए ना सब्सक्राइब कर दो भाई के चैनल को, क्योंकि कभी भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, उससे पहले ही सब्सक्राइब कर दो, तो तुम समझ सकते हो। बाकी रेस लगा रहे हैं, रेस रेस, चलो देख, चेक करो गाइस, 1 2 3 ओ भाई, मैंने तीसरे गियर में दी गाड़ी, ओ भाई बुलेट वाले बाबा आगे से बहुत तेज, अब नहीं मानेगी यार ये, अब तो निकल के ही मानेगी भाई, एल्विस भाई, हेरी भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या, ओ भाई फिलहाल यहाँ थोड़ा डर के भी मेरे को निकलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ चेकिंग बहुत होती है, तो अगर रेस करेंगे तो ये नॉर्मल सी बात है, अल्ले बड़े पहुँच आने वाली है। तो तुम्हें बता दूँ ये अपनी बेबो, आज तक तो किसी से हार मानी नहीं है, आगे का कोई पता नहीं, और मुझे पता है जब ये हार मानने वाली होगी तब तक तुम लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट कर दिया होगा कि शायद मेरे पास एक सुपर बाइक हो। फिलहाल मैं बता दूँ वो बुलेट है, तो यार बुलेट मतलब तुम्हें पता है रेसिंग बाइक है नहीं, तो इससे तो नॉर्मल सी बात है ये जीती जाती, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है यार, कहाँ बुलेट और कहाँ अपनी स्पोर्ट्स बाइक बेबो, इसका तो कोई तोड़ नहीं है फिलहाल के लिए, और आगे का कोई पता नहीं। चेक करो गाइस, कार से निकल के अंकल जी ऐसे बल मतलब झुक के देख रहे थे कि ये क्या आ रहा है, जब तक ये जो बनी हेलमेट लगाया ना, रिएक्शन तो मतलब इतने आते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिएक्शन आते हैं, तो एक विली क्यों ना, चेक करो ये रोड भी खाली है, ओ भाई हल्की सी उठी, ओ भाई
वो उठ रही है, पर मुझे डर लगता है अभी थोड़ा। आगे से गाड़ी भी आ रही है, आगे चलो वहीं मारेंगे भाई। आज खतरनाक रहने वाला है आज का सीन। आज मैं फुल जोश में आया, और तुम्हें बता दूं बहुत दिनों से मैं ब्लॉगिंग पे गया भी नहीं, बिकॉज सीन ये है कि यार अभी थोड़ा त्योहारों के बाद से ना थोड़ा सा मेरे घर में थोड़ा इतना काम हो रहा था ना घर में, फिर बाहर जाना पड़ा। अभी मैं खटीमा में था भी नहीं, तो खटीमा से बाहर था तो बाइक से जा नहीं पाया। बट मेरा मन था कि मैं बाइक से जाऊं, बट किसी कारण बस नहीं जा पाया, क्योंकि एक ऐसा काम था जो काम होना बहुत ज़रूरी था। तो बाइक से जाता तो थोड़ा सा अड़चन आती, अड़चन कोई भी आ सकती थी, मतलब वो काम ऐसा था कि बाइक से नहीं हो पाता। बट आने वाले कुछ टाइमों में सारा काम इसी से होने वाला है, तुम्हारी बाइक, तुम्हारी बेबो से। तो बस जल्दी से जल्दी दुआ करो, और दुआ करके एक सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। सब्सक्राइब वाला बटन दबा के तुम मेरा ब्लॉग देखो, पूरा ब्लॉग देखो, इसकी हिम्मत करो। जितना ज़्यादा तुम मेरा ब्लॉग देखोगे ना उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो फिलहाल तो अभी नहा धो के आया हूँ, तो यार ठंडी ठंडी हवा चल रही ना कसम से, ऐसी खुजली मछली, खुजली सॉरी ठंडी, ऐसी ठंडा लग रहा है ना कि मतलब असहनीय ठंडा। पनी हेलमेट वैसे आई थिंक, मेरे को पता नहीं है, जहाँ तक है मतलब हमारे इंडिया में ये हेलमेट कवर इलीगल नहीं है, तो इसलिए कोई डर वाली बात नहीं है, और इसलिए ये बेखौफ होके लगा के चलते रहो। अब तुम्हें मंकी रिएक्शन दिखाऊंगा, मंकी रिएक्शन। चेक करो गाइस। भाई ये कुकार था मंकी। गुस्से में आ गया, गुस्से में। चेक करो भाई, ओ भाई ये बंदर नहीं डर रहा। ओ भाई चेक करो, वो मतलब हेलमेट लगाया उनने भाई, खतरनाक तरीके से मुड़ के देख रहे हैं बंदर भाई, खतरनाक ही हो रहा है। गाइस चेक करो, मैं हैरी और ये बेबो, अब इससे मैं जस्ट मैं ब्ली मारने वाला हूँ। यहाँ चेक करो यार, ये धक धक हो रही है, और यहाँ चेक करो फटी पड़ी है भाई, कसम से डर लग रहा है भाई। डर के आगे जीत है तुम्हें पता ही है। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल। ओ भाई गजब गजब, हो गई हो गई हो गई। ओ तेरी, ओ भाई, ओ भाई फट गई भाई, फट के चार हो गई भाई। भाई ये क्या था, फर्स्ट टाइम इतनी खतरनाक मिली मारी भाई, फट गई तुम्हें। हाँ यार भाई फट गई। एक मिनट रुक जाओ, गाड़ी आ रही पीछे, अभी गाड़ी आ रही पीछे, रुक जाओ अभी। अरे रुक जाओ, गाड़ी आ रही पीछे। ये बंदा यार रुकता नहीं है, एक तो पीछे से गाड़ी भी आ रही है, पता लग रहा है व्हीली मारते मारते भाई फैल गया, और हैंगर बस गाड़ी ऊपर से चल दे रही है। मैं कह रहा था गाड़ी, चलो 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 चलो, हो जाए हो जाए हो जाए। तो गाइस चेक करो, अब हमारा भाई स्टॉपी मारने वाला है, देखते हैं कितनी अच्छी स्टॉपी पड़ती है। पहली बार है, दूसरी बार? ना स्टॉपी हो रही ना व्हीली हो रही। बस हो गया भाई, थक गया थक गया मैं थोड़ी, मेरी बाइक और कैमरामैन थक गया वीडियो बनाते बनाते, बोले बहुत तगड़ी वीडियो बना। मैं नहीं थकने वाला, मैं और बना दूंगा। चेक करो गाइस, कैमरामैन थक गया, बोले यार भयंकर तुम बहुत व्हीली अच्छी मार रहे हो। बोले इतनी कोई बात नहीं भाई, इतना आज के लिए इतना काफी है। फिलहाल अभी चेक करो, ये है बनी हेलमेट, अभी दिखा दूं तुम्हें। ये है भाई का बनी हेलमेट है, जस्ट बुलेट पे रखा है, उनकी बाइक पे रखा है। तो अभी ये मैं लगा के मार्केट में निकलने वाला हूँ, और रिएक्शन कवर करेंगे हमारे भाई रिबॉन राइडर, तो खतरनाक सीन रहने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों अब पलने वाला है रिबॉन राइडर की बुलेट 350 से बर्नआउट खतरनाक वाला, बिल्कुल धुआं धुआं हो जाने वाला जंगल में। आओ गाइस, जंगल में इसलिए कर रहे हैं ना, किस लिए कर रहे हैं हमें खुद नहीं पता, यहाँ थोड़ा लोकेशन सही है। खतरनाक वाला बर्नआउट पड़ने वाला है दोस्तों, बिल्कुल धुआं धुआं कर देना हम पूरे जंगल में भाई, कसम से कोहरा छा जाना है। गर्मियों में ठंडियों का एहसास दिला देना जंगल वासियों को, इतना खतरनाक बर्नआउट मारना है भाई। तो बर्नआउट मारने से पहले आप कुछ कह सकते हो, कुछ हार्ट बीट उड़ बीट तेज तो नहीं हो रही है? कुछ नहीं भाई, ये रोज का काम है अपना। क्या बात कर रहे हो, रोज का। अभी कल ही वीडियो शूट करते टाइम मारा है, रील चेक कर लेना। अरे भाई, तो फिलहाल अपनी रोजर से पूछ ले, बाबू कैसा लग रहा है आपसे बर्नआउट पड़ रहा है, आप कुछ कहते क्यों नहीं हो, आपका ये केयर नहीं करता है? लग रहा है मुझे डर, मेरा रोज का काम है, मेरे मालिक रोज कराते हैं मुझे। काफी एक्सपीरियंस वाला है ये, चेक करो गाइस। ओ भाई, ओ भाई धूल उड़ा दी, धूल उड़ा दी,
समझ नहीं आ रहा है धुआं निकल रहा है क्या निकल रहा है भाई, हो रहा है रुक जाओ भाई भाई, धुआं निकल गया भाई, मजाक चढ़ के धुआं मार रहा है टायर। चेक करो भाई, आग लग गई क्या गाइस? आग लग गई। चेक करूं टायर? उम्फ बहुत गर्म है। इतने से मैंने तो धुआं मार दिया यार। कैसा लगा फिर बर्नआउट? मजा आया? मेरे को तो मजा आया, पर मेरी ऑडियंस से पूछना पड़ेगा, ये कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। ये एक डेमो था फिलहाल, अगर तुम लोग कमेंट करोगे ना तो इससे बड़े बड़े बर्नआउट मारूंगा। हो सकता है इस जंगल में पूरा धुआं ही धुआं कर दूं, एक टायर ब्लास्ट कर दूं, अगर तुम लोग कमेंट करोगे शेयर करोगे थोड़ा सपोर्ट। एक सपना है बस। क्या सपना है? आने वाले टाइम में अच्छा पब्लिक ने डिमांड करी और मतलब ग्रोथ अच्छी हुई, तो भाई दो टायर एक साथ बर्न करूंगा। ओ भाई बहुत बड़ी बात कह दी है भाई ने। जो अभी ये टायर लगा है उसको पूरा बर्न करना है, उसी वक्त दुकान पे जाके नया टायर लगा के और उसी के सामने भयंकर दूसरा भाई। उतने में तो यार गाड़ी का इंजन बोल सकता है, कुछ नहीं बोलेगा अपनी रोजर में बहुत पावर है। अच्छा चलो फिर इसके लिए ना तब तक मेरे चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें डबल बर्नआउट देखने, आज तक शायद पूरे यूट्यूब में किसी ने नहीं मारे होंगे। तो फिलहाल अभी थोड़ा आगे की ओर चलते हैं, ये बर्नआउट एक डेमो था फिलहाल, हम चेक करना चाह रहे थे। और टायर चेक करो, इतने से में ही हल्का सा घिस गया है, सोचो घिसा एकदम प्लेन हो गया और अभी भी हीट मार रहा है खतरनाक वाली। हाँ तो फिलहाल मैं रोड देखता हूँ, थोड़ी सी साफ है, मार दूँ क्या एक बिली? ओ भाई थोड़ा, ओ भाई बिली पे बिली पड़ने वाली है भाई, ओ भाई कंट्रोलिंग हाथ से निकलने वाली थी अभी, खतरनाक ही सीन होने वाला था भाई, बिकॉज मेरे को इतना आइडिया नहीं है।